खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनने वाला है उसका राजस्थान से मजबूत कनेक्शन है, क्योंकि राजस्थान के ही सिरोही में मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तराशा गया है। सालों तक सैकड़ों कारीगरों की मेहनत के बाद तराशे गए पत्थरों को अयोध्या भेज दिया गया। प्रभु श्री राम के नाम पर की गई इन कारीगरों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगा, लेकिन उसका राजस्थान से खास नाता होगा, क्योंकि यही वो राज्य है जहां तराशे गए संगमरमर पत्थरों को मंदिर के निर्माण कार्य में लगाया जाना है। सिरोही के कारीगरों ने दिन रात एक करके सालों की मेहनत के बाद उन खम्भों को तैयार किया है जिस पर राम का दो मंजिला भव्य मंदिर बनेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो मॉडल प्रस्तावित है उसके मुताबिक मंदिर दो मंजिला का होगा, जिसमें नीचे रामलला विराजेंगे और मंदिर की पहली मंजिल पर राम का दरबार सजेगा। खास बात ये कि पहली मंजिल 106 खम्भों यानी पिलर पर खड़ी होगी, जिसकी ऊंचाई 16 फीट 6 इंच है, तो दूसरी मंजिल पर 14 फीट 6 इंच ऊंचाई के 106 खम्भे लगेंगे। इस मंदिर का मॉडल वीएचपी ने तैयार करवाया था और वीएचपी की कोशिशों के बाद ही सिरोही के पिंडवाड़ा में पत्थर तराशने का काम शुरू हुआ था। तब के वीएचपी अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल खुद सिरोही आते थे और काम का जायजा लेते थे। पिंडवाड़ा में तीन वर्कशॉप में सालों तक इसी तरह पत्थर तराशने का काम चलता रहा, जिसके पूरा होने के बाद अयोध्या के वीएचपी वर्कशॉप भेज दिया गया। आज से लगभग 23 साल पहले 1996 में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी ने श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य हमें सौंपा था। पिंडवाड़ा क्षेत्र में तीन कार्यशालाओं में मंदिर के दोनों मंजिल के खंभे और मंडोर मतलब बाहरी दीवार उसका कार्य 1996 से 2002 तक पूरा करके अयोध्या हमने भेज दिया है। करीब 9 साल तक सिरोही के सैकड़ों कारीगर और शिल्पकारों ने भगवान राम मंदिर के लिए संगमरमर पत्थर तराशने का काम किया। उसी संगमरमर से मंदिर भवन के लिए पिलर, दीवार, दरवाजे और चौखट बनेगी।